हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में आमल की एकादशी की तिथि एवं पूजन के शुभ मुहूर्त के साथ साथ पूजन विधि महत्व और एकादशी की कहानी को सुनेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हर महीने में दो एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमल की एकादशी को आंवला एकादशी के रूप में भी जानते हैं। इसी दिन रंगभरी एकादशी यानी इसी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार आमल की एकादशी यही एक ऐसा दिन है जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वाराणसी में आमल की एकादशी के दिन ही रंगभरी एकादशी और बाबा विश्वनाथ माँ गौरी पर गुलाल अर्पित किया जाता है। आइए जानें आमल की एकादशी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त। आमल की एकादशी की शुरुआत 20 मार्च को दोपहर 12:21 पर होगी, वहीं इसका समापन अगले दिन 21 मार्च को दोपहर 2:22 पर होगा। जो जातक इस दिन उपवास रखते हैं और पारण का समय जान लें। 21 मार्च को दोपहर 1:07 से लेकर 3:32 के बीच में वो अपना पारण कर सकते हैं। ये पारण के लिए उपयुक्त समय है। आइए जानें आमल की एकादशी पर पूजन का शुभ मुहूर्त। आमल की एकादशी के दिन सूर्योदय का सुबह 6:25 पर होगा और पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 4:50 से लेकर 5:37 तक है। ये सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। आइए जानें आमल की एकादशी की पूजन विधि। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले रंग का वस्त्र धारण कर लें और उस दिन मंदिर को साफ कर लें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। एक लकड़ी के चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान और माता को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले फूलों की माला और गुलाब अर्पित करें। सिंदूर, हल्दी, गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी या पंचामृत का भोग लगाएं। तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। अंत में कहानी कहें, आरती करें और अगर संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पूजन करें यानी उसका पठन करें। पूजा में हुई गलतियों की क्षमा मांगें। अगले दिन पुनः सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें। गरीबों या ब्राह्मणों को दान दें एवं उन्हें भोजन कराने के बाद अपना व्रत का पारण करें। आइए जानें आमल की एकादशी का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन एकादशी पर भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। माना जाता है आंवले में सभी देवी देवता का वास होता है। जो लोग अपने जीवन में लंबे समय से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं वो आमल की एकादशी के दिन व्रत और पूजन करें, साथ में आंवला जरूर चढ़ाएं। आइए सुने आमल की एकादशी की कहानी। मान धाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी का व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उसी नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक भी उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नामक एक चंद्रवर्षीय राजा राज करता था जो अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी दरिद्र कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे एवं वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर
पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नवेद पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो, तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। रात्रि के समय वहाँ एक पहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यधिक व्याकुल होकर वह पहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने बैठ गया और मंदिर में भगवान विष्णु का एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात बिता दी। जगकर प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था, दान देता था, उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के बाद वह उसी वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी के मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसे दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र, अनेक संबंधियों को मारा है तथा हमारे उसको देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा करके वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका भार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूर दूसरे को काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गास में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी सहायता कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।